नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वाली होने वाली है, क्योंकि हम आज आपको पुराना जो कमीज होता है, पुरानी जो कुर्ती होती है, उसके नाप के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम नई कुर्ती की कटिंग करें ये बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है हमारे पास पुराना कुर्ता, पुराना जो सूट होता है, कमीज होता है, वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो अक्सर करके आपके काफी कमेंट आते हैं कि सर हमें ये बताया जाए कि पुराने कमीज से कैसे नाप लेके नई कमीज की कटिंग की जाती है। तो यहाँ पे पुराना कमीज हमने इस तरीके से नीचे की साइड बिछाया हुआ है, और ये है हमारे पास नया फैब्रिक जिसमें से हम यहाँ पे कटिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं पहले आपको कपड़ा दिखा देता हूँ। इस तरीके का हमारा यहाँ पे पीस रहेगा। तो ये होगा हमारा फ्रंट, ऊपर की साइड यहाँ पे नेक बनेगा, और नीचे हमारा यहाँ पे घेर आएगा, और बैक रहेगी हमारी यहाँ पे प्लेन, प्लेन कपड़ा है, और साइडों से यहाँ से बाजू निकलेगी। सभी ज्यादातर पीस जो होते हैं इसी तरीके के होते हैं कि उनकी साइडों में से बाजू आती है और एक साइड से यहाँ पे फ्रंट बैक निकल जाते हैं। तो ये तो हो जाता है हमारा कपड़ा। अब बात आती है, कोई भी जब भी हमारे पास जो सूट होता है तो उसका नाप हम किस तरीके से ले, एक एक पॉइंट कैसे समझे, और कितने इंच पे हमारी कमर आनी चाहिए, कितने इंच पे हमारा यहाँ पे आर्मोल आना चाहिए, एक एक पॉइंट हम कैसे समझे। तो जो भी पुराना कमीज होता है, सबसे पहले हमें इसको पलट लेना है इस तरीके से, और पलटने के बाद यहाँ पे हम इस पे हल्की हल्की प्रेस कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे प्रेस कर लेंगे साइडों से, ताकि हमारा बिल्कुल फिक्स ना पाए यहाँ पे अच्छे से। और सबसे पहले हमें लेनी है लेंथ। तो लेंथ लेने के लिए यहाँ पे हम इस तरीके से कमीज को फैलाएंगे, और यहाँ से जो हमारी ये सिलाई होती है कंधी वाली, यहाँ पे इंच टेप रखेंगे, और इस तरीके से हमें यहाँ पे नापना है। तो देखिए, यहाँ पे नाप जो हमारा आ रहा है 41 इंच आ रहा है, 41 इंच। तो सबसे पहले हम लेंथ का नाप लिखते हैं, लंबाई होगी हमारी यहाँ पे 41। तो यहाँ पे इस तरीके से हम पूरे पीस को पलट लेते हैं और साइडें खोल लेते हैं, क्योंकि साइडों में यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा रहता है, तो यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइज लिखेंगे, साइज जो जो भी है हमारा। तो यहाँ पे कैसे नापते हैं, देखिए इंच टेप को आपने ऐसे रखना है, और इस पॉइंट पे यहाँ पे इस तरीके से ऐसे यहाँ पे नापना है। तो ये आएगा हमारा यहाँ पे 18.5 इंच, 18.5। तो यहाँ पे हम जो ब्रेस्ट होगी हमारी यहाँ पे 18.5 इंच होगी, तो 18.5 यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद हमें ऊपर से यहाँ पे कमर का नाप लेना है। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे जो हमारी गोलाई का सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे आता है, तो ये आएगी हमारी यहाँ पे 14.5 इंच पे, 14.5 इंच पर। तो यहाँ से हम इस तरीके से नापते हैं। तो ये देखिए, हमारा यहाँ पे 16.5 इंच से 2 पॉइंट ऊपर, मतलब 17.5 इंच हमारा यहाँ पे कमर का नाप है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को इस तरीके से लेंगे, 14.5 पर रखेंगे कमर, और यहाँ पे 17.5 इंच हमारी यहाँ पे तैयार रहेगी कमर। तो ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद हम यहाँ पे हिप वाला, हिप कितने पर है, हिप ऊपर से नापेंगे। तो जहां पे हमारे चाक होते हैं यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे यहाँ पे स्केल रख लेंगे, और ऊपर से यहाँ पे चेक करेंगे कितने इंच पे हमारी यहाँ पे कमर आ रही है, हिप आ रही है। तो ये देखिए, हमारा यहाँ पे ऊपर से है ये 21.5 इंच, और आधा इंच हमारा यहाँ पे ऊपर मार्जिन का रहता है, तो हमारी 22 इंच पे यहाँ पे हिप का पॉइंट आएगा। तो ये हम ऊपर से रखेंगे यहाँ पे 22 इंच, 22 इंच, और हिप जो हमारी तैयार होगी यहाँ पे इस तरीके से नापेंगे ऐसे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये तकरीबन तकरीबन हमारी 20 इंच यहाँ पे तैयार आ रही है हिप। आप हिप को या कोई भी पीस जब भी नापते हैं तो इस तरीके से हल्का सा टाइट करते हुए नापे। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारा ये पूरा 20 इंच आएगा। तो 20 इंच ही हमने तैयार रखना है, ना कम हो ना ज्यादा। तो यहाँ पे 20 इंच हम रखेंगे तैयार। तो ये तो आ जाता है हमारा ऊपर से नीचे तक का साइज, जो जो हमने यहाँ पे रखना है 18.5, 14.5, 18.5, और फिर कमर वाला पॉइंट 14.5 पे, और कमर है हमारी 17.5 तैयार, फिर ऊपर से 22 इंच पर हिप रखेंगे, और 20 इंच रखेंगे तैयार साइज में। इसके बाद आ जाती है हमारी यहाँ पे लेंथ और घेरा। तो यहाँ पे घेरा नापने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से
सिंपल सा यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे। और मैं बता दूं आपको, अगर बैक वाला पल्ला हो तो सबसे पहले हमें बैक वाला पल्ला नापना होता है, क्योंकि फ्रंट और बैक वाले पल्ले में अगर कढ़ाई होती है तो फर्क आ जाता है। तो पुराने कमीज का आप बैक वाला पल्ला नापे, क्योंकि उसमें कढ़ाई नहीं होती, तो आपका घेर बिल्कुल ठीक आएगा। जैसे यहाँ पे ये है, 20 इंच आएगा हमारा घेर तैयार। तो यहाँ पे इसके बाद ये देखिए, लेंथ बाद में नापेंगे हम। यहाँ पे नेक लाइन इस तरीके से नापते हैं, ऐसे। तो नेक है हमारा फ्रंट का 7.25 इंच। कभी भी नेक ऐसे नहीं नपता, साइडों से नपता है इस तरीके से, 7.75, और बैक का है 7 इंच। तो फ्रंट का 7.75 और बैक का 7 इंच है। और यहाँ पे कंधी नापेंगे, कंधी कितनी तैयार है हमारी, ये देखिए कंधी है हमारी यहाँ पे 2.25। और जब कंधी नापते हैं तो हम साथ ही यहाँ पे शोल्डर को भी चेक करते हैं, और गले की ब्रॉड लेंथ भी यहाँ पे चेक करते हैं। गले की ब्रॉड लेंथ हमारी 6.75 होती है, इस साइज में 6 इंच तक होती है, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने यहाँ पे 11.25 इंच का जो शोल्डर तैयार है, और कटिंग किया हुआ है 12.25 इंच, 12.25 यहाँ पे कटिंग हो रखा है। तो ये नाप भी हम नोट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा गला जो होगा 7.75 इंच फ्रंट का है, और 7 इंच है बैक का, और 6 इंच हमने यहाँ पे ब्रॉड लिख दिया है। और यहाँ पे जो हमारा जो शोल्डर है तीरा, ये हमने यहाँ पे 12.25 इंच कटिंग करना है, जो कि हमारा तैयार रह जाएगा 11.25 इंच। इसके बाद हम यहाँ पे बाजू का नाप लेते हैं। तो बाजू यहाँ पे इस तरीके से नापते हैं, सेंटर पॉइंट में। यहाँ पे आपने सेंटर ऐसे मिलाना है, और यहाँ पे शोल्डर जो कंधी होती है यहाँ पे सेंटर मिलाना है। और यहाँ से हम इस तरीके से देखेंगे तो 16 इंच हमारी यहाँ पे लेंथ है, और यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे 9.5 इंच, 10 इंच हमारी आगे की ओपनिंग है। तो ये देखिए, सभी नाप लेने के बाद इसके बाद हम नाप लेते हैं लेंथ का। तो लेंथ वाला पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे जहाँ पे सिलाई होती है, और यहाँ पे सीधा नापेंगे इस तरीके से। तो ये आएगा हमारा तकरीबन 41 41। अगर लेंथ आपकी थोड़ी बहुत एक पॉइंट कम ज्यादा भी हो तो चल जाती है। तो यहाँ पे हम पूरा 41 रखेंगे तैयार नाप। तो यहाँ पे लेंथ भी लिख लेते हैं, लंबाई जो होगी हमारी यहाँ पे 41 तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पे पूरा नाप मैंने इस तरीके से यहाँ पे एक एक पॉइंट पे आपको समझाया है, किस तरीके से कमीज का नाप लेते हैं और कैसे हम यहाँ पे एक एक पॉइंट को नापते हैं। तो पूरा जब हमने यहाँ पे नाप ले लिया है, इसके बाद हम करेंगे कटिंग। दोस्तों ये है हमारे पास कपड़ा। तो जब हम कटिंग करते हैं तो आपने ध्यान देना है, जो हमारा फ्रंट रहेगा ये वाला रहेगा, तो हम इसको कटिंग कर लेंगे फ्रंट बैक को अलग अलग कटिंग करने के लिए। इस तरीके से ये हमने अलग अलग कर लिया है, ताकि हमारे यहाँ पे जो वर्क होगा ये भी हम अच्छे से सेट कर पाए कहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट बनता है, इस तरीके से। तो ये तो हम फैलाएंगे यहाँ पे फ्रंट ऐसे, और साथ ही बैक साइड भी हम कटिंग करेंगे। तो बैक साइड को भी हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे और ऐसे यहाँ पे फैला लेंगे। और इसमें जो अगर कपड़े में कोई कान वगैरह है तो सेट कर लें, बैक वाले पॉइंट की तो जरूर आप कान वगैरह निकाल लें, ये ध्यान रखें। तो ये देखिए, बैक साइड के लिए हमने इस तरीके से फोल्ड लगाते हुए यहाँ पे कपड़े को कर लिया है सेट। इसके बाद हम ऊपर की साइड यहाँ पे फ्रंट रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे ध्यान रहे जो आपकी कढ़ाई है ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट में रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने दोनों पीस ऊपर नीचे रख लिए हैं, नीचे की साइड बैक साइड वाला पार्ट है, ऊपर फ्रंट का है। सबसे पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगाते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमारा यहाँ पे पहला निशान आएगा आर्मोल का, जो कि हमने यहाँ पे 6.25 इंच पे लगाना है, ये ध्यान रखें। इस साइज में और नेक लाइन में 6.25 इंच हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक आएगा। दूसरा निशान जैसे मैंने बताया था तो हमने नापा था, 14.5 इंच पे आएगा। तीसरा हमारा यहाँ पे 22 इंच पे आएगा, और साथ ही हम नीचे तक यहाँ पे लेंथ का निशान लगाएंगे, 41 है तो 41.5 पे, और फिर नीचे मार्जिन के लिए फोल्ड करने वाला। तो यहाँ पे इन निशानों को सभी को इस तरीके से हम आगे तक बढ़ा लेंगे एक एक करते हुए। इसके बाद हम यहाँ पे साइज का निशान लगा देंगे, ऊपर से है हमारा 18.5, 9.25 इंच रखेंगे। कमर है हमारी 17.5 इंच, तो यहाँ पे 8.25 से 1 पॉइंट ज्यादा रखेंगे, और
कम हिप है हमारी यहाँ पे 20 पौने 20 इंच, तो ये हम 10 इंच से पॉइंट कम रखेंगे। सभी निशानों को आपस में इस तरीके से मिला लेते हैं। ये हमने सभी निशान मिला लिए हैं। इसके बाद जितना हमने घेरे का निशान लगाया था, तो यहाँ पे हम घेरे रखेंगे 20 इंच, तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे इस निशान को भी एक दूसरे से मिलाएंगे। आगे की साइड 1.25 से 1.5 इंच का फोल्ड का मार्जिन रखते हैं, ये ध्यान रखें हर पीस में। और इधर हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाते जाएंगे ऐसे, ताकि कभी भी लूज टाइट हो तो ये परफेक्ट आए। तो ये देखिए सभी निशान हमारे लग चुके हैं। अब आ जाते हैं हम शोल्डर पे। तो यहाँ पे शोल्डर जैसे मैंने बताया था 1.25 रखने हैं, तो यहाँ पे हम इस तरीके से 6 इंच से 1 पॉइंट कम पे निशान लगाएंगे। और नीचे भी यहाँ पे हमने जो निशान लगाना है वो 6 इंच से 1 पॉइंट कम लगाना है, क्योंकि जो फ्रंट है हमारा ये 11.5 से कम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर हमारा यहाँ पे शोल्डर बड़ा होता तब भी हम यहाँ पे 6.25 पे निशान लगाते, लेकिन हमारा शोल्डर भी यहाँ पे छोटा है तो हमने सेम सीधा निशान लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। ये हमने गोलाई डाल देनी है। अब हमने बैक वाला जो पार्ट है हमारा, जो गला है बैक का, वो है 7 इंच। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट से जो हमारा सीधा निशान आया है यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे भी डाल देंगे गोलाई। तो ये हमारे बैक वाले पार्ट की गोलाई होगी। ब्रॉड लेंथ रखेंगे, जैसे यहाँ पे 6 इंच से थोड़ा ज्यादा था तो यहाँ पे हमने 3 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा लगाया है। यहाँ पे आएगा हमारा 1.25 गला, तो यहाँ पे हमारी इस तरीके की गोलाई आएगी। और शोल्डर डाउन अगर आपने करना है तो इस जो जैसे हमारे बैक गला भी डीप है तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट ही डाउन करेंगे, ज्यादा डाउन नहीं करना है। अब करेंगे यहाँ पे कटिंग, बैक साइड को यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा के कटिंग करते हैं, ये ध्यान रखें इस तरीके की हमारी यहाँ पे कटिंग आनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट वाले पल्ले पे कटिंग करेंगे, जो निशान है निशान के ऊपर। तो ये देखिए आर्मोल की कटिंग हो गई है, शोल्डर की कटिंग हो गई है। अब हम साइडों से यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है फ्रंट और बैक की। अब हमें जितना ब्रॉड लेंथ रखना होता है, जैसे ये हमारा ब्रॉड लेंथ है, इससे हम बैक साइड के लिए 1 पैर कम का निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हमारा गला है बैक साइड का 7 इंच, तो हम 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से और गोलाई डाल देंगे। इसी गोलाई के ऊपर यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक हो गई है हमारी यहाँ पे कंप्लीट कटिंग। इसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू कटिंग करने के लिए हमने इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड लगा लिया है, तो दोनों बाजू हमारी एक साथ में कटिंग हो जाएंगी। एक निशान हम ऊपर की साइड लगाएंगे, दूसरा निशान हम इस तरीके से यहाँ पे 3.25 इंच पर लगाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे जितनी हमारी लेंथ है, जैसे 16 इंच है तो 16.5 पे निशान लगाएंगे और नीचे फोल्ड के लिए लगाएंगे। इन निशानों को हम आगे तक यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेते हैं। जो हमारा आर्मोल है यहाँ पे, आर्मोल आया है 7.5 इंच जो हमने नाप लिया था कमीज का। और यहाँ से हमारा जो आगे की ओपनिंग है वो 10 इंच है, तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पे फिर हमें इस तरीके से डालनी है गोलाई। तो ये तो हो जाती है हमारी गोलाई बैक साइड के लिए। और गहराई के लिए हम इस पॉइंट से यहाँ पे इस तरीके से ऐसे गहराई देंगे। तो इस तरीके की आपकी कटिंग होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बाजू की भी यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर ली है
और फ्रंट बैक की भी कंप्लीट कटिंग कर ली है। किस तरीके से नाप लिया जाता है, किस तरीके से कटिंग की जाती है, पुराने कमीज के साथ में एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।